ले ले, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? सर आज तक इस ले लेने आपसे कुछ नहीं लिया, अब ये ले ले आपसे कुछ लेना चाहता। पैसे नहीं चाहिए सर, पैसे नहीं चाहिए। हमारे डिपार्टमेंट का मोटो है ना कि बुरों को सजा दिलानी चाहिए और अच्छों की रक्षा करनी चाहिए, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए सर। किसकी किसकी बात कर रहे हो तुम? वो जो बहुत सुंदर है लेकिन गरीब है, वो जो जवान है लेकिन बदनसीब है। ले ले। अभी बुलाता हूँ सर, अभी लेकर आता हूँ। मुंबई की सबसे दुखी लड़की। तुम? हाँ सर, मैं। उस दिन जो आपने देखा और सुना था ना वो बिल्कुल झूठ था, आज जो आप देख रहे और सुन रहे ना वो बिल्कुल सत्य है। तो मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, दिख रहा है ना? चार दिन से भूखी हूँ, लग रहा है ना? Come to the point. क्या चाहती हो तुम? ये धंधा करना चाहती है सर, मेरा मतलब एक काम धंधा करना चाहती है, नौकरी की तलाश में आई है। हाँ सर, अगर आप मुझे नौकरी दे देंगे तो मेरी लाइफ बन जाएगी सर। अब कुछ करना तो पड़ेगा ही। कल मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। चलो चलो, इससे पहले कि वो अपना है, चलो चलो जाओ जाओ। बहुत दिनों से खाना नहीं खाया ना, बहुत गरीब हो ना? क्यों ले ले? हाँ हाँ सर, ऑर्डर कीजिए ना, कम ऑन। नहीं सर, वो अगर सिर्फ काम मिल जाए तो बस। काम वाम तो मिल ही जाएगा। हाँ। पहले पेट भर के खा तो लो। ओके वेटर। यस सर। हाँ तो क्या लेंगी आप? ये सर। आप लोग तुम मेरे पहचानती हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ, मैं बिल्कुल नहीं। वैसे पहले ये पुलिस में थे, लेकिन तुम जैसी लड़की, तुम नहीं, तुम्हारे जैसी एक लड़की ने रिश्वत दी, नतीजा पानी लाओ। यस सर। अरे प्राइस मत देखिए, खाना ऑर्डर कीजिए, आज बिल मेरे ऊपर है। ये तुम इन्हें भी पहचानती हो? नहीं नहीं, मैं कहाँ, बिल्कुल नहीं। वैसे इन बेचारे की कहानी भी सेम है। पहले ये भी इंस्पेक्टर घोर पड़े हुआ करते थे, लेकिन तुम जैसी, मेरा मतलब तुम नहीं, तुम्हारी जैसी एक लड़की ने इन्हें भी रुपए दिखाए और बेचारे गिर पड़े। क्यों मिस्टर घोर पड़े? तो चिकन सूप लाओ। यस सर। सर मैं अरे आपको तो बहुत पसीना आ रहा है, पानी पी लीजिए। अरे क्या हुआ? ओ पूछिए मत, इन्हें तो आप 100% पहचानती होंगी। कल तक एक 5-स्टार होटल के मैनेजर थे, लेकिन तुम जैसी लड़की के कहने पर इन्होंने मुझ जैसे पुलिस ऑफिसर को गलत जानकारी दी और उसका वक्त जाया किया, और नतीजा सर पूछिए मत, रख दीजिए। यस सर। कल से यहाँ पर आप एक नया वेटर देखने वाली हैं। क्यों ले ले? मैं सर, आई एम सॉरी सर। आउट। आई एम सॉरी सर। आई सेड गेट आउट। हाँ तो राम प्यारी जी, मैंने बात कर ली है, तुम्हें भी इसी रेस्टोरेंट में काम मिल जाएगा, कप प्लेट धोने का, झाड़ू पोछा मारने का। एक्सक्यूज मी, मैं आपको स्वीपर लगती हूँ? देखिए मैं कोई गरीब वरीब नहीं और ना ही मेरा नाम राम प्यारी है। I am Sanjana Roy, daughter of Dr. Ramesh Roy, America से आई हो, honest police officer पर एक thesis लिखना चाहती हो, इसीलिए तुम्हें एक ईमानदार police officer की तलाश है, correct? हाँ, और मेरी तलाश अब खत्म हो गई, क्योंकि वो officer मुझे मिल गया। मैंने तो अभी शुरुआत की है, लेकिन तुम्हारी thesis के लिए मेरे पापा ठीक हैं, Commissioner अवधेश प्रताप सिंह। That's amazing. क्या आप मुझे उनसे मिलवाओगे? Yeah, sure, why not? लेकिन पहले पेट तो भर लो। प्लीज अभय जी, अभय जी उन सबको माफ कर दीजिए ना, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है मेरे कहने पे तो किया है। प्लीज अभय जी। माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, मुझे सिर्फ अभय का। अभय संजना, ये तुम्हारी माँ है।
अरे रे, क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट है, गाजर का हलवा बहुत अच्छा पकाती है, पति और बेटे के बीच में ब्रिज का काम करती है और अपनी छोटी बेटी को कुछ रोज नया नया सिखाती है। और ये है तुम्हारी बहन अनु, ये तुमसे 5 साल छोटी है। और जैसे कि हर भाई बहन में होता है, तुम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और झगड़ा भी। अब है, तूने तो सब कुछ बता दिया हमारे बारे में से। नहीं माँ, वो क्या है कि... और हमारे बारे में, हमारे बारे में क्या क्या बताया है? नमस्ते। नमस्ते, बैठो जी। आपकी तो बहुत तारीफ की है इन्होंने। तारीफ तो खैर क्या की होगी इसने, लेकिन एक बात पक्की है, तुम्हारी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तलाश सही जगह आके खत्म हुई है। जी, आपको पता है? मुझे सब पता है। अमेरिका से आने के बाद इन तक पहुँचने के लिए तुम्हें क्या क्या नहीं करना पड़ा। जी मैं वो नहीं, आप पर... नहीं पापा, दरअसल ये आप पर थीसिस लिखना चाहती हूँ। आप मेरी मदद करेंगे ना? हाँ, लेकिन थीसिस तो मुझ पर नहीं, अभय पर लिखोगी। He deserves it. और हो सकता है थीसिस लिखते लिखते तुम इसे समझा पाओ कि कानून को अपने हाथ में लेना ठीक नहीं। अब 50 साल पुराने कानून को बचाने के लिए उसे अपने हाथ में लेना पड़ता है। क्राइम को खत्म करने के लिए क्रिमिनल बनना जरूरी तो नहीं है, लेकिन क्रिमिनल्स को उन्हीं के तरीके से खत्म किया जा सकता है। अपने जोश और होश को काबू रखने की कोशिश किया करो अभय। क्राइम और क्रिमिनल्स को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा तरीका सही नहीं है। मेरा ही तरीका सही है। ओफो, मेहमान सामने है और आप लोग अपने बहस में। माँ, शुरुआत पापा ने की है। बस इनको तो बहाना ही चाहिए। देखा देखा देखा, कैसे माँ बेटा एक हो गए। क्या पापा, मैं तो आपका साथ देती हूँ ना। चलो तू भी तब साथ देती है जब कोई काम निकलवाना हो। अब संजना आ गई, ये मेरा साथ देगी। क्यों जी? क्या देखा भैया, ये आई है अमेरिका से और है एकदम अमेरिका की तरह, दोस्ती किसी और से और साथ किसी और का। वैसे तुमने अपने लिए हथकड़ी बहुत अच्छी चुनी है, अनाउंस करवा दूं? नो पापा, लेडीज एंड जेंटलमैन। एक मिनट एक मिनट, अरे संजना यू लेट ना। अरे तेरे का अपॉइंटमेंट थी ना, कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो। अरे बाय बाय। तुम एक ऐसा बुत हो जिसके कदमों में सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल के रखते हैं। मुगले आजम, नाइस बट लिटिल आउटडेटेड। पुराना है? अब है, यू जस्ट हैव टू ट्राई अगेन। संजना, आई एम अ पुलिस ऑफिसर, ओके? तो मुझे किसी को अरेस्ट करने को कहो, कहीं रेड करने को कहो, लेकिन यू नो, ये तारीफ करने को कहोगी ना, आई हैव नेवर। अब है, तुम्हें मेरी तारीफ करनी होगी, नहीं तो आज का प्रोग्राम कैंसिल। अरे, पुलिस वाले को धमकी देती हो? हाँ, दे रही हूँ तो। अरे, रिलैक्स ना, वन मोर ट्राई, ओके? ओके। अपनी आंखें देखी है? क्यों? जिधर भी देखती है एक रिश्ता कायम कर देती है। कभी कभी अमिताभ बच्चन। अब और ट्राई करने को मत कहना, ओके? मुझे सिर्फ 2 लाइन याद थी। नहीं नहीं, बहुत अच्छी लाइन है ये। एक ही लाइन में कितनी सारी बातें कह दी हैं। क्या कभी तुमने अपनी आंखें देखी है जिस तरफ देखती है एक रिश्ता कायम कर देती है? ये फोन सुना, जब भी बजता ये मुटकी। एक मिनट, हेलो साहब, मैं मुन्ना बोल रहा हूँ साहब। वर्सोवा विलेज के पास एक टेररिस्ट छुपा है। क्या? पुराने वाले बंगले के पास, तीसरी गली में साहब। इंफॉर्मेशन करेक्ट है? 100% पक्की है। वर्सोवा विलेज? हाँ साहब। ओके, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ अब है, किसका फोन था? मेरे मुखबिर का फोन था। वर्सोवा विलेज में एक टेररिस्ट छुपा है, इससे पहले कि वहाँ से निकल जाए मुझे वहाँ पहुँचना है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम? हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग टेररिस्ट कैसे पकड़ते हो। ये कोई देखने वाली चीज थोड़ी ना, इट्स अ वेरी रिस्की ऑपरेशन। तो क्या हुआ, मैं डरने वाली लड़की थोड़ी हूँ? अगर तुम रिस्क ले सकती हो तो क्या मैं नहीं ले सकती? संजना देखो, जिद मत करो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ आ रही। प्लीज लेट मी गो। नहीं, आई एम कमिंग, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। ठीक है,